हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन अकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए बात करते हैं एडमिशन। दोस्तों, ओपन हो चुके हैं और PGDCA, DCA, CPCT और बेसिक के आप सभी विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सेल की शीट की, और एक्सेल की शीट में आज हम करेंगे सेलेक्ट और ड्रैग फंक्शन का यूज़ करना। दोस्तों, समझेंगे सबसे पहले सेलेक्ट और ड्रैग। पर पहले बना लेते हैं हम फोल्डर। फोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर और न्यू पर जाकर एक फोल्डर का निर्माण करेंगे। चाहे तो हम शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और एन के साथ हम एक फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। जब एक फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा तो हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाकर एक एक्सेल की शीट बनाएंगे। एक बार यहां पर हम न्यू फोल्डर पर जाकर एक फोल्डर बनाएंगे और अब हम एक्सेल की शीट बनाने के बाद यहां पर एक्सेल की शीट पर डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद एंटर करेंगे जिससे कि हमारी एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। तो देख सकते हैं अभी जो एक्सेल की शीट है वहाँ पूरी क्लीन दिख रही है। इस एक्सेल की शीट को पूरा सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट पर जाकर उसके साइड में यहाँ पर ऑल बॉर्डर करेंगे जिससे कि शीट काफ़ी प्रभावशाली दिखेगी। जब हमारी शीट बनकर तैयार हो जाएगी, इसके बाद हम शीट को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज फंक्शन की सहायता से हम सिलेक्ट को मर्ज करेंगे। दोस्तों, मर्ज होता क्या है? सभी सेलों को एक साथ मिलाना मर्ज कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम सिलेक्ट एंड ड्रैग फंक्शन का आज यूज हमें करना है। सिलेक्ट और ड्रैग फंक्शन के यूज करने के बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और इसके बाद अक्षर को कलर देंगे। सबसे पहले आज हम सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे नंबर को। नंबर में लिखेंगे 1, 2 और 3। दोस्तों, याद रहे आपको 3 बार इस चीज को लिखना है, इसी के बाद सिलेक्ट और ड्रैग फंक्शन ठीक तरीके से कार्य करता है। लिखने के बाद लास्ट पॉइंट पर क्लिक करें और नीचे की ओर ले जाएं, जिससे ऑटोमेटिक सारी संख्याएं लिखाती हुई चली जाएंगी। एक बार रिपीट करेंगे। वन, 2, 3 और सिलेक्ट के बाद ड्रैग। आइए अब बात करते हैं ड्रैग को कैसे सिलेक्ट और ड्रैग करेंगे। लिखा 1 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट और ड्रैग फंक्शन। आइए दोस्तों, एक बार और रिपीट करते हैं। एक जनवरी 2022, 2 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022। सिलेक्ट एंड ड्रैग। बोल्ड सेंटर। अब हम देखेंगे कि हम यहां पर अमाउंट लिखेंगे, जैसे 100, इसके बाद 200 और 300। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 100 के बाद 200 और 200 के बाद 300, यानी हर संख्या के बीच में 100 का अंतर है।
देखते हैं 100, 200 और 300, यही सेलेक्ट और ड्रैग। इसके नीचे देखिए दोस्तों 400, फिर 500, 600 और संख्या आगे बढ़ती है। इसी को हम रिपीट करेंगे। सेलेक्ट एंड ड्रैग। अब हम देखेंगे डिफरेंस 200 का। यदि हम लिखते हैं 200, 300 और 500, तो आइए देखते हैं क्या होता है। सेलेक्ट और ड्रैग। यहां पर देख सकते हैं आप सभी दोस्तों कि संख्या में 200 का अंतर है, जैसे 300 के बाद 500, इसके बाद 700 और फिर 900। आइए एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पर ऊपर की हेडिंग को सिलेक्ट किया और बोल्ड और सेंटर करेंगे। दोस्तों आज हमने सीखा सिलेक्ट और ड्रैग फंक्शन का प्रयोग करना। एक बार और हम सारी चीजें रिकॉल करेंगे कि हमने कैसे कैसे चीजों को प्रयोग किया था। सबसे पहले हमने एक शीट ली थी ब्लैंक, इस पर हमने एक मर्ज का फंक्शन का यूज किया था, जिसमें लिखा गया था सेलेक्ट और ड्रैग। इसके बाद बैकग्राउंड कलर और अक्षर का कलर, फिर नंबरों को हमने सेलेक्ट और ड्रैग किया था। इसके बाद रिपीट, फिर दिनांक को सेलेक्ट और ड्रैग, फिर अमाउंट को सेलेक्ट और ड्रैग। इसके बाद डिफरेंस 200 का लिया था और सेलेक्ट और ड्रैग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। धन्यवाद।